नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। झांसी में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि जब अखिलेश यादव का राज था तब भुखमरी और सूखे के कारण 200 किसान मारे गए थे, 300 से ज्यादा आत्महत्या के मामले आए थे। जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने इंडिया इसराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया जिससे कि पानी की समस्या को दूर किया जा सके। उन्होंने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब लूट का पैसा पकड़ा जाता है तब सपा सुप्रीमो के पेट में दर्द होता है। वो आगे कहते हैं कि पहले गांव के लोग बिजली का सपना तक नहीं देखते थे, बीजेपी सरकार ने हर गांव में बिजली पहुंचाई है। पहले की सरकारों में किसानों की फसल MSP पर खरीदने की व्यवस्था नहीं थी, बीजेपी सरकार में MSP पर किसानों की फसल खरीदने की व्यवस्था की गई है। शाह ने कहा कि हमने तय किया है कि बुंदेलखंड का चहुंमुखी विकास करेंगे। इसके लिए बुंदेलखंड में पीएम मोदी डिफेंस कॉरिडोर लेकर आए हैं। बुंदेलखंड में जनरल बिपिन रावत के नाम से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर बरसते हुए नजर आए। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह झांसी पहुंचे थे, उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा कि जब अखिलेश यादव का राज था तो भुखमरी थी, सूखे के कारण 200 किसान की जान चली गई, 300 से ज्यादा ने आत्महत्या की थी। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने इंडिया इसराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि पानी की समस्या को दूर किया जा सके। आगे वो कहते हैं कि जब लूट का पैसा पकड़ा जाता है तो सपा सुप्रीमो के पेट में दर्द होता है। उन्होंने आगे कहा कि पहले के गांव के लोग बिजली का सपना तक नहीं देखते थे, लेकिन बीजेपी सत्ता में आई है तब से हर गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है। पहले की सरकारों में किसानों की फसल पर MSP पर खरीदने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा हो रहा है। शाह आगे कहते हैं कि हम बुंदेलखंड का चहुंमुखी विकास करने वाले हैं, इसके लिए बुंदेलखंड में पीएम मोदी डिफेंस कॉरिडोर लेकर आ रहे हैं जो कि जनरल बिपिन रावत के नाम से बनाया जाएगा। इन्होंने 5 साल में गुंडा और माफियाओं से गरीब की जमीन कब्जाने का काम, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के गरीब और सरकारी जमीन अखिलेश के गुंडों ने कब्जाई। योगी आदित्यनाथ ने 2000 करोड़ की जमीन को बुलडोजर घुमाकर खाली करा दिया। उन्होंने अपने परिवार के 45 सदस्यों को, कितने, जरा याद रखना भाई, अखिलेश बाबू आते नहीं है मगर आ जाए तो हिसाब मांगना है, 5 साल में 45 सदस्यों को अलग अलग पद पर बैठाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 45 योजनाओं को आपके घर में भेजने का काम किया। मैनपुरी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा करते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनका नाम समाजवादी है और काम तमंचावादी है। 10 मार्च के बाद हर युवाओं के हाथ में टैबलेट और लैपटॉप होगा। जब बुलडोजर का नाम आता है तो सबसे ज्यादा परेशानी अखिलेश को होती है। 350 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। साथ ही कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर माफियाओं और गुंडों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन इतिहास सदैव अपने आप को दोहराता है। बीच के कालखंड में इटावा, मैनपुरी और इस पास आसपास के क्षेत्रों को बदनाम करके रख दिया था। अराजकता पैदा करने वाले तत्व, राहजनी करने वाले तत्व, सत्ता में काबिज होकर के आम जनता का जीना हराम कर दिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, इस देश ने करवट ली, देश के सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जैसा एक यशस्वी नेता भारत को मिला। 2014 के बाद जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, 2014
2017 2019 ये लगातार बीजेपी की जो सिलसिला पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चलता रहा, आज उसका परिणाम है कि किसी भी परिवर्तन के लिए पूरी तैयारी। वहीं अपना दल सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल ने कन्नौज में जनसभा को संबोधित किया। कुर्मी वोटों को साधनी आए अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगा। अपने संबोधन में उन्होंने सदर सुरक्षित और तिरवा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की, साथ ही सपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरह हमेशा प्रदेश की जनता ने एनडीए का साथ दिया है, वो एक बार फिर से एनडीए का साथ देगी। हमारी एनडीए के प्रत्याशी हैं कन्नौज सदर से श्री असीम अरुण जी और तिरवा से श्री कैलाश राजपूत जी, और यहाँ की जनता से हमने निवेदन किया है कि एनडीए सरकार के पिछले 5 वर्षों में जो विकास कार्य हुए उनको देखते हुए एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने के लिए हमारे दोनों प्रत्याशियों को, कन्नौज सदर से असीम अरुण जी को और तिरवा से माननीय कैलाश राजपूत जी को, जनता आने वाली 20 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा विजयी बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। बांदा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा की, जहां पर उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां और बीजेपी प्रत्याशी अजय पटेल के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील भी की है। यूपी की जनता समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना करके गुंडागर्दी से, दंगागर्दी से, भूमाफियागर्दी से, तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति चाहती है, और 2017 में कमल खिला करके वह रास्ता उन्होंने जनता जनार्दन ने बनाया है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का दिन रात का परिश्रम, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बुंदेलखंड की गई सेवा, प्रदेश की गई सेवा, इसके आधार पर हम 2022 का भी चुनाव ऐतिहासिक अंतर से जीत रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस तीनों का सूर्य होगा और भाजपा का कमल फिर खिलेगा। धन्यवाद। हमीरपुर की राठ सीट से सपा प्रत्याशी राजपूत चंद्रवती वर्मा के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के पहले अखिलेश यादव ने स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर जाकर दर्शन किए और मंच पर पहुंचते ही जनता का अभिवादन स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितना राशन समाजवादी सरकार में बांटा गया था, उस हिसाब से इस राशन किट में कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके राशन में सरसों का तेल और घी, दाल, चावल, आटा, आलू, प्याज भी हुआ करता था, यहाँ तो सिर्फ गेहूं और चावल ही बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा जी गर्मी उतारने की बात करते हैं, पहले चरण के मतदान के बाद उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा कि आने वाली 20 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर चंद्रवती वर्मा को भारी बहुमत से विजयी बनाएं और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनाएं। धन्यवाद करती हूँ कि वो इस बुंदेलखंड की मिट्टी पे पधारे और उन्होंने इतनी सारी उन्होंने अपनी नीति बताई, संकल्प पत्र बताए हैं जो कि हमारे सबके लिए अच्छा है। बेरोजगारी लोग कितने युवा यहाँ बेरोजगार हुए, क्योंकि लड़ाई सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं है, हम कम लाखों युवाओं की लड़ाई है जो बेरोजगार घूमे उनको रोजगार दिलाने की लड़ाई है, ये उन बच्चों की लड़ाई है जो स्कूल नहीं जा पा रहे उनको प्रॉपर शिक्षा दिलाने की लड़ाई है, ये लड़ाई है और यहाँ पर अव्यवस्था अस्पतालों की जहाँ की जो कि छोटे से कुछ हो जाने पर 100 किलोमीटर दूर झांसी जाया जाता है। सहारनपुर में दूसरे चरण के मतदान के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में वोट डालने को लेकर काफी उत्साह नजर आया, तो वहीं नुक्कड़ विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने अपने परिवार के साथ जाकर वोट डाला।
सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव कुंभर ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी संजय गर्ग और सपा के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने भी मतदान किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी राजीव कुंभर ने कहा कि मतदान को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग बीजेपी के 5 सालों तक किए विकास कार्यों को लेकर अपना वोट कर रहे हैं। देखिए, सहारनपुर के अंदर हम लोग सारी की सारी सीटें जीतेंगे और भाजपा वालों को जवाब मिल जाएगा। यूपी में क्या स्थिति रहेगी? यूपी में सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इस बार आप किंग मेकर की भूमिका में हैं, कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, मेरी ख्वाहिश थी, मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके हम लोग चुनाव लड़ा सकें। देखिए, मेरा बूथ, मेरी वोट सहारनपुर देहात के अंतर्गत है और सहारनपुर देहात से हमारे प्रिय भाई पूर्व मंत्री आदरणीय आसू मलिक साहब चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें विजयी बनाने के लिए अपने मताधिकार का परिवार के साथ मैं यहाँ वोट डालने के लिए आया था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई आसू मलिक साहब को कि वो बहुत वोटों से जीत रहे हैं और ईश्वर ने चाहे वो सरकार में वो विधायक बनने के बाद में सम्मिलित भी होंगे, पहले भी वो मंत्री रहे हैं। मेरी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और मैं तमाम सहारनपुर के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि सहारनपुर के सभी समाजवादी प्रत्याशियों को जिताने का पूरा भरसक प्रयास करें, मेरा अनुरोध है। आज मतदान को जिस तरह से हम सुबह से देख रहे हैं कि लाइन लग रही है, जनता के बीच बहुत उत्साह है। जनता 5 साल से इस सरकार से, तानाशाह सरकार से त्रस्त है और जनता इस सरकार को हटाना चाहती है। जो वादे इन्होंने अपने पुराने मैनिफेस्टो में किए थे, एक भी वादा जनता के बीच इन्होंने पूरा नहीं किया। उस मैनिफेस्टो को ये रख करके कहीं भूल गए हैं। अब जनता इनको पुराना मैनिफेस्टो भी याद दिला देगी और वहीं जहां समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो ये जारी हुआ है, वहीं इकलौते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं इस देश के, जिन्होंने मात्र 2 वर्ष में अपना मैनिफेस्टो पूरा किया। जो भी जनता के बीच उन्होंने वादे किए थे, जो घोषणा की थी, वो मात्र 2 साल में पूरा किया और जनता अब उन वादों को जो 2017 में भाजपा करके आई थी उनका हिसाब लेने जा रही है। सहारनपुर के अंदर जो विकास कार्य हुआ है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है पिछले 5 साल की। और मैं और यहाँ से बस अड्डे को निर्माण करवाने के लिए बस अड्डा बाहर जाए, सहारनपुर चिकित्सा सुविधा बढ़े, सहारनपुर के व्यापारियों के लिए, उद्योग के लिए यहाँ कुछ नए बड़े उद्योग लेंगे, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में। देखिए, वो केवल एक वर्ग के वोट के आधार पर अपनी जीत चाहते हैं, जो इस बार जनता ने नकार दिया है। हम सभी वर्गों का वोट आज समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिल रहा है और इसलिए समाजवादी पार्टी गठबंधन की निश्चित रूप से होगी। पहले चरण ने भी उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। हमीरपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोधा कस्बे में रोड शो कर कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी चंदेल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उनका रोड शो सड़क मार्ग से मोधा कस्बे में मलिकुआ चौराहे पर पहुंचा। यहां से प्रियंका गांधी और कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी चंदेल के बेटे अभयराज चंदेल के साथ कार की छत पर सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए रोड शो की शुरुआत की, जहां कांग्रेस समर्थकों ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी समर्थकों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका हौसला बढ़ाने के साथ कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। रोड शो कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरकर तहसील मार्ग में आकर समाप्त हुआ। इस मौके पर कांग्रेस समर्थकों की भारी भीड़ देखने के लिए मिली। संबंध में वोट डालने पहुंचे आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अलीकुर रहमान खान ने कहा है कि मतदान के लिए लंबी कतारें ये बता रही हैं कि जनता बदलाव चाहती है। क्या बीमार और क्या बुजुर्ग, सभी मतदान कर रहे हैं। यूपी में इस बार सपा आरएलडी गठबंधन की सरकार बनेगी और जनता को दुर्गति से निजात मिलेगी। मेरा यही संदेश है कि जिन लोगों ने मतदान किया है, बहुत शुक्रिया उनका, और जो लोग रह गए हैं पूरे प्रदेश भर में और ख़ास तौर से चूँकि इस विधानसभा का मैं निवासी हूँ, संभल विधानसभा, जनपद संभल की संभल विधानसभा, तो मतदान में तेज़ी है और ये मतदान ये साबित करेगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके पूरे बहुमत के साथ राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अमन और चैन का माहौल होगा, किसानों की सुनी जाएगी, बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा,
जो दुर्गत हुई है इन 5 सालों में, उससे अब निजात मिल जाएगी 10 मार्च को। ये मतदान का पूरी तरह से ये मतदान इस बात की गारंटी देता है कि इस बार प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार आएगी। भाजपा जा रही है पूरी तरह से? हाँ, ऑफकोर्स आप भी देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनों में जो लगा है मतदाता, वो उत्साह के साथ लगा है, वो सरकार बदलने के लिए लगा है। बरेली में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया है। बता दें कि मीरगंज विधानसभा के गांव खबरिया गोटिया के ग्रामीण रोड ना बनने को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि 5 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक गांव में रोड नहीं बनी है, उनको कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं ताज नगरी आगरा में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आगरा के शहीद स्मारक पर हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल की अगुवाई में संगठन के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर और मोमबत्ती जलाकर शहीदों को याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि साल 2019 में आज के दिन ही पुलवामा अटैक में कई जवान शहीद हो गए थे, जिन्हें आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं औरैया में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया। बता दें कि विधुना कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में 19 जनवरी को इंटर कॉलेज के प्रबंधक और उनकी पत्नी के घर में घुसकर लूट के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा करते हुए एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि लूट का विरोध करने पर पकड़े गए आरोपियों ने गला घोट कर निर्मम हत्या कर बात कबूली है। इतना ही नहीं, वारदात में शामिल 4 बदमाशों में लूट के बाद माल के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में 3 आरोपियों ने अपने एक साथी को मारकर पास के खंडहर में फेंक दिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। दिनांक 19/1/22 को थाना बिदुना के एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एसजीएस कॉलेज जो थाना बिदुना के अंतर्गत आता है, उनके प्रबंधक श्री गंधर्व सिंह यादव जी एवं उनकी जो वाइफ है, उनका मृत अवस्था में उनका शव वहाँ पर उनके घर में मिला हुआ है। घटना की सूचना उपरांत सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर मौका मुआयना किया गया था। इस घटना के अनावरण हेतु हमारी कई टीमें कई दिनों से लगातार इसमें काम कर रही थी और इसमें हमने सभी फॉरेंसिक साक्ष्य, जैसे कि घटनास्थल से थंबप्रिंट उठाना और अन्य फॉरेंसिक एविडेंसेस, वो सब हमने घटनास्थल से उठाए थे और मुखबिर और सभी लोगों को एक्टिवेट किया था। इसमें हमारी जनपद औरैया की स्वाट टीम और थाना बिदुना की टीम को एक सफलता प्राप्त हुई, जब इसमें पूछताछ में कई लोगों का नाम सामने आया। इसमें इस घटना में 3 व्यक्ति का नाम इसमें शामिल हुआ था, जिसमें एक का नाम कल्लन, एक का नाम प्रदीप, एक का नाम नीटू उर्फ रोहित भदौरिया है। और ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इन्होंने पूछताछ में बताया था कि ये लोग चोरी छिपे 18 तारीख को कुछ लोग और 19 तारीख को ये लोग चोरी छिपे उस घर में दाखिल हो गए। दाखिल होने के उपरांत इन लोगों ने सही समय का इंतज़ार करते हुए, जब दूध वाला दूध देकर इनको चला गया, उसके उपरांत इन्होंने ये घटना कारित करी थी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।